कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है, जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बायकॉट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और ख़ासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन दो दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो ज़रूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कहने दी, हमने तो नाम देखे, बाकियों ने तो चलिए सिर्फ इल्ज़ाम लगाया, हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वॉज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वॉज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज़ का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है, और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें। जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं, आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, कर लें जो करना है। मुसीबत अपनी पार्टी के तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया